everybody, welcome back to my YouTube channel. तो ये आज का vlog before Christmas का vlog है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अभी. और आज के vlog में बहुत ज़्यादा interesting चीज़ होने वाला है, तो वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना. अभी तक धूप नहीं आया है. इस पेड़ का पीछे है सन, हमारे घर के पीछे. ये एक छोटा सा टेम्प्रेरी हमने बनाया है. यही से मैं आई थिंक आज पूरी बनाने वाली हूँ, बिकॉज आज बहुत ठंडी है. आग जला के पूरी बनाते हैं गाइस. सो गाइस, सुबह सुबह सबका मन कर रहा था कि गर्मा गर्म पूरी हो जाए, और बाहर भी बहुत ठंडा हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आग जला के अपना टाइम लेके आराम से आग सेक सेक के पूरी बनाऊंगी. तो मैं यूजुअली रोज़ सुबह सुबह आग नहीं जलाती हूँ, तो मुझे आज बहुत ठंडा लग रहा था हम सबको, तो मुझे लगा कि हम आग जला के आराम से बनाएंगे टाइम लेके. तो यहाँ पे मैंने बनाया पूरी और सब्ज़ी. सब्ज़ी के लिए बहुत सिंपल आलू एंड ये लास्ट नाइट वेजिटेबल सौते करके रखा था, उसी को मैंने दोबारा आलू में मिक्स करके फ्राई कर दिया है. एंड यार गाइस, ये बिफ़ोर क्रिसमस का व्लॉग है, तो सोचना मत कि ये रिसेंटली का व्लॉग है. नो, ये बिफ़ोर क्रिसमस का व्लॉग है. एंड मैं अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बाहर जा रही हूँ कुछ शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बिफ़ोर क्रिसमस को कार्निवल नाइट वगैरह लगता है. क्योंकि वो स्टॉल अगर छोटा सा स्टॉल हो या फिर बड़ा सा स्टॉल हो, काम बहुत ज़्यादा रहता है. एक अकेला इंसान इतना सारा काम नहीं संभाल सकता है, इसलिए मैं अपना बहन लोग का वेट कर रही थी उन लोग का हेल्प लेने के लिए. बट उन लोग का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेट में ख़त्म हुआ. 23 को वो लोग आए दिमापुर, एंड 23 को ही हमने स्टॉल लगाया. सो उस स्टॉल का हमने क्या क्या प्रिपरेशन किया और कैसा क्या रहा, मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाऊँगी. बहुत मुश्किल से आग में बनाया. ये तो गाइस, कभी आपने नागा थाली में पूरी और सब्जी खाया है? सो दिस इज माय थाली एंड हियर इज माय ब्रेकफास्ट. मैं सन के नीचे बैठ के आराम से एंजॉय करने वाली हूँ. आप भी ज़रूर पूरी, गरम गरम पूरी और सब्जी बनाई के खाएगा. क्या गुस्सा रहा है? क्या जा रहा है वीडियो? लूंगा तेरा वीडियो. तू कौन है मुझे बोलने वाला? तेरा भैया. तेरा भैया? अभी अभी उठाई है, अभी उठाया. आलसी इंसान आके डायरेक्ट ठूस रहा है, कुछ हेल्प भी नहीं किया इसने मेरा. बता दूँ सबको? बता दे. कितना लेजी है तू. कुछ नहीं होता. कैसा है टेस्ट? टेस्ट अच्छा नहीं है? तू क्यों इतना खा रहे? भूख लग रहे. भूख लग रहे से खा रहे? टेस्ट अच्छा नहीं तभी भी इतना खा रहा है. इसमें क्या चाहिए? आग के सामने बूढ़ी सब्जी. ऑलमोस्ट आई एम डन. इतना बड़ा पिंपल और मेरे पीछे जंगल. एज यू गाइस ऑल नो, क्रिसमस आने वाला है, और हम लोग का और क्रिसमस आने से पहले कार्निवल फन नाइट वगैरह होता है. आई स्टे इन दिमापुर, तो हम लोग यहाँ पे भी कार्निवल नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऑन 23 दिसंबर मैं भी अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाने वाली हूँ. कल है कि मैं आज अभी जाऊँगी सामान लेने के लिए, और कल का प्रिपरेशन का भी आपको दिखाऊँगी, और इसके बाद कैसा रहा प्रॉफिट लॉस जो भी है दिखाऊँगी. स्टे ट्यून फॉर दैट. हम निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए. आई एम सो एक्साइटेड टुडे एंड फॉर टुमारो, क्योंकि ये मेरे लाइफ में ड्रीम था कि मैं एक ना एक दिन एक स्टॉल ज़रूर लगाऊंगी. और मैं एक्सपीरियंस लेना चाहती थी कि वो स्टॉल अगर मैं लगाऊंगी तो कितना मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, कितना मटेरियल वगैरह लगेगा, या फिर लाइक बिजनेस काइंड ऑफ बिजनेस के जैसा मैं कुछ करना चाहती थी. बट मुझे लगा दिस ईयर इज़ नॉट माई ईयर. मुझे लगा कि मैं नेक्स्ट ईयर से ट्राई करूँगी. बट आई एम सो लकी कि बिफोर क्रिसमस और बिफोर न्यू ईयर ये होने वाला है. तो सबसे पहले मैं गई सब्जी मंडी में ताकि मुझे जल्दी जल्दी फ्रेश सब्जियां मिल जाए, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी ताज़ा ताज़ा सब्जी मिलते हैं. तो मैंने जो भी स्टफिंग के लिए, मोमो स्टफिंग के लिए या फिर सैलेड या फिर फ्राइड राइस के लिए जो भी मुझे इन्ग्रीडियंट्स या फिर मटेरियल चाहिए था, मैंने सबसे पहले उसे ग्रैब किया. फॉर द चटनीस ये सबसे तीखा वाला बोला भैया ने, एंड दिस वन इज फॉर कलर
एंड वो है किंग चिली, ड्राइड किंग चिली। ओह माय गॉड, ये भी 100 पीस के ना कितना दे? हां 100 रुपीस का दे दे। अभी 22 नाइट हो रहा है और मैं ये चिकन थाई और चिकन लेग पीस को ऐसे करके मतलब वो कर रही हूँ इस शेप में के लिए, तो ऐसे करके वेरी सिंपल एंड यहाँ से आप ऐसे करके ऐसे कट मारना एंड देन यहाँ भी जो इसका मीट है उसको आप ऐसे हल्का सा स्लाइस करना, तो आपका ये ऐसा वाला चिकन रेडी हो जाता है। जितना भी फैट है वो सब रिमूव नहीं करेंगे, उसको हल्का सा ऐसे करेंगे ताकि जितना भी इंग्रेडिएंट्स है थाई के अंदर घुस सके। मिल्क के साथ मेरीनेट करेंगे। हम डालेंगे पेरी पेरी, टमाटर, गार्लिक रोस्ट करेंगे, बिहाइंड द सीन वाला स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल करके गाइस देखो। सो गाइस सुबह के 6 बज चुके हैं पर भी हमने 5 बजे से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन का। यहाँ पे मैं मोमो का चटनी को रेडी कर पेस्ट बना देता है, ग्रीन ग्रीन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कोरिएंडर वगैरह या सोया सॉस और विनेगर, मैं भी इसको अच्छे से इसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए थोड़ा फ्राई करूँगी। तो गाइस देखते देखते टाइम पता नहीं चला कब बीत गया, हमारा स्टीम मोमो भी बन गया एंड मेरे बहन लोग भी उस दिन सुबह सुबह आ गए थे, काफ़ी हेल्प हुआ मेरा। और ये लोग यहाँ पे मेन्यू रेडी कर रहे हैं और ये मेरा कज़न भाई लोग मेरे लिए लाइट जो रात के लिए लाइट बल्ब प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग मेन्यू को पेस्ट कर रही है। एज यू कैन सी माई प्राइस इज़ वेरी रिजनेबल, 70 रुपीज़ फॉर क्रिस्पी फ्राइड चिकन एंड एवरीथिंग, मोमो हो गया, फ्राइड राइस हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, सब 50-50 में रखा। और ये हमारा लुक कुछ ऐसा दिखता है क्योंकि दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम और ये हमारा लाइक सिर्फ एक दिन के लिए था, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे। एंड एज यू कैन सी हमारा कुछ ऐसे मेन्यू डिस्प्ले, हमने ऐसा करके डिस्प्ले करके रखा था हमारा आइटम्स को ताकि लाइक यू नो लोग अट्रैक्ट हो या फिर कुछ ऐसे ऐसे हो। मुझे डर लग रहा था कि मेरा सेल नहीं होगा या फिर पता नहीं कुछ, मेरा अंदर से बहुत सारा ऐसे अलग अलग मिक्स फीलिंग्स आ रहे थे, बट फाइनली लाइक मेरा फर्स्ट सेल हुआ, वो भी यू कॉन्ट बिलीव मेरा फर्स्ट सेल 1000 अबव हुआ। तो मेरा यू नो जैसे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं चात्रा, मेरा चात्रा काफ़ी अच्छा हुआ। एंड देन धीरे धीरे आते गए कस्टमर्स और मेरे यहाँ पे कजन्स लोग भी आए, मेरा काफ़ी उन लोग ने सपोर्ट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस दिन क्योंकि मुझे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना सपोर्ट करेंगे। इवन मैंने यूट्यूब में भी नहीं बोला था किसी को कि ऐसे ऐसे करने वाली हूँ, मुझे लगा अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी तो आप लोगों को पता चलेगा तो कोई कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। मैं डर रही थी कि मैंने यूट्यूब में भी किसी को नहीं बोला, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बोला, बट वहाँ के नॉर्मल लोकल लोग जो भी घूम रहे थे एंड माई कज़न्स वो लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों को अच्छा टेस्ट लगा, दे लाइक माई चटनीस एंड एवरीथिंग। और जल्दी जल्दी ही सब कुछ सेल हो गया, का टाइम नहीं लगा, वैसे मैंने क्वांटिटी भी इतना नहीं बनाया था पर जल्दी जल्दी सब कुछ सेल होगा थैंक्स टू माय सिस्टर्स। सो गाइस शॉर्ट एंड सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉफिट था या फिर लॉस था। अगर आप कार्निवल में अपना एक स्टॉल लगाना चाहते हो तो वहाँ के काउंसिल मेंबर लोग मेरे लिए मेरे से तो वो लोग ने एक दिन के लिए 1000 लिया था एंड मैंने जो भी सामान खरीदा था वो 3000 था, तो इंक्लूडिंग 4000 मैंने खर्चा किया था, तो वो 4000 तो मुझे मिल गया था। एंड प्रॉफिट कितना हुआ मैं आपको बताती हूँ, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं था गाइस क्योंकि मेरा प्राइस बहुत ज़्यादा रीजनेबल था एंड जो क्वांटिटी था वो भी मैं बहुत ज़्यादा दे रही थी क्योंकि मैं एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, मतलब कैसा चल रहा है ये फूड बिज़नेस का लाइन कैसा है वो मैं एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। मैंने ज़्यादा प्रॉफिट में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने होलसेल में जाके सामान नहीं खरीदा, बट इट्स अ गुड बिज़नेस आइडिया। और ये है 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे मैं अपने कजिन्स लोग का विश करते हुए एंड यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन क्योंकि फिर क्रिसमस फीस तो
जो भी हो खा के जाने, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग, यू नो, ब्लेसिंग है। अगर क्रिसमस फिश नहीं खाया तो आपके आने वाले साल बहुत बेकार जाएंगे, इसलिए आगे आने वाले साल में जाने के लिए आपको पूरा बॉडी में स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी के लिए आपको क्रिसमस फिश तो ज़रूर खाना होगा। फिर गाइस क्या था, क्रिसमस फीस्ट को अच्छे से एंजॉय करके हम शाम को ये थाइको विलेज में गए थे, क्योंकि यहाँ का जो क्रिसमस डेकोरेशन वगैरह चर्च का होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, तो हम भी जाके देख के आए थे। ये हमारा एवरी ईयर का रिचुअल बन गया है कि हम लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं डेकोरेशन वगैरह देखने। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग का क्रिसमस 2023 का क्रिसमस कैसा था और आज का व्लॉग भी कैसा था। मैं जल्दी मिलूँगी, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।